आज मैं ऐसे रोड से जाने वाला हूँ जिसे रोड ऑफ बोन्स भी बोलते हैं। 350-400 किलोमीटर में मैंने चार जगह पर पेट्रोल डलवा लिया है। स्पेशल विंटर के टायर लगा रखे हैं गाड़ी के अंदर। रात के 1:30 बजे हैं और गाड़ी पंचर हो गई है। इस जगह ने जाते जाते मुझे अपना जो सरप्राइज था वो दे ही दिया। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज ओमिया काउंट के अंदर मेरा लास्ट डे है। आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। 12:30 बजे की टैक्सी है, 12:45 हो चुके हैं। जिस रूम में मैं रुका हुआ था ये भाई वो रूम, ये देखिए, जो मेरे होस्ट हैं उनके बेटे का रूम है ये। और इस टाइम पे वो बेटा अपनी जो दादी हैं उनके पास जाके रहता है, इसी गांव में रहती हैं वो भी। 10:45 बजे के आसपास यहाँ पे सनराइज हुआ था और जस्ट मेरे रूम से बाहर ये व्यू है। इस खिड़की के ऊपर दो लेयर लगी हुई है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। यहाँ से आपको माहौल लग रहा है अरे इतनी ठंड कहाँ होगी। आज भी जो टेम्परेचर है, आज भी जो दरीना थी वो स्कूल नहीं गई, उसके पीछे कारण था क्योंकि आज टेम्परेचर -55 पहुंचा हुआ है। और अगर -50 से ऊपर अगर टेम्परेचर पहुंच जाता है तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बंद हो जाता है, और अगर -55 से ऊपर पहुंच जाए तो जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी स्कूल बंद हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आज है -54 और इस कारण से जो इनकी बड़े वाली बेटी है उनको स्कूल जाना पड़ा। और जब वो वहां पे गई तो अकेली थी। टीचर भी सोच रही है यार ये भी क्यों आई आज, ये नहीं आती तो कोई नहीं आता। टीचर भी आराम से छुट्टी कर लेती। और उस दिन आते टाइम जो मैंने गलती की थी यहाँ पे ओमेगोन आते हुए या कुछ से, उस दिन मैंने मोटे वाले कपड़े नहीं पहने थे और मुझे ठंड लग रही थी टैक्सी के अंदर। तो आज मैं इनको पहनने वाला हूँ। मतलब इतनी ठंड भी नहीं थी, वो झेलने लायक थी वो, लेकिन उस झेलने वाले के कारण ना नींद नहीं आती। नींद जब तक नहीं आती जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते पूरी तरीके से। तो इसलिए आज मैं ढंग से कपड़े पहन के जाऊंगा। 12:30 बजे टैक्सी वाला आ जाएगा, तब तक मैं यहीं पे रहूंगा। पैकिंग मेरी सारी हो चुकी है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अबाउट टू फॉल। इफ यू लीव आई विल मिस यू, प्लीज डोंट गो बट 10 मिनट्स। दोय पाए एरुस्की दोय प्रिवेत का कक स्पास Привет, как дела? Если я свободу, если ты уедешь, тебе будет тебе я буду тебе скучать. Пожалуйста, не выходи на 10 минут, останься, что мне жалко, что ты ела завтра. Я как-то Такси अभी तक नहीं आई है, आने वाले थे 12:30 बजे। वो बोल रहे हैं 4:15 तक आएंगे, एकदम अंधेरा जो हो जाएगा उस टाइम तक। देने ना दवाई या कुछ потом ты вера дома या Монголия. Во, смотрите, какой рюкзак большой. Это как? Это большой. Больше. Куда? Бою чай, бачи, к угли хаток рэгли. Подожди. Я случайно другой ты палец. Вот, тебе привет. Куда? Куда тебе? Куда? यार कहीं से भी निकलते हैं ना तो मन सा खराब हो जाता है। आज मेरा यहाँ पे आखिरी दिन है और लगभग 10 से 15 मिनट बाद टैक्सी आ जाएगी। पहले 12:30 बजे आने वाली थी लेकिन कुछ कारणवश वो टैक्सी आ नहीं पाई। मैं इस फैमिली के साथ पिछले यहाँ पे मैं 3 रात रुका और 2 दिन आप पूरे मान लीजिए, 3 दिन मान लीजिए, क्योंकि जिस दिन मैं पहुंचा था उस दिन भी 2 बज गए थे और आज अभी तक 2 बज चुके हैं। तो 3 दिन पूरे हो ही गए मेरे मुझे इनके साथ। और अब यहाँ पे थोड़ा अलविदा कहने में अजीब सा ही लग रहा है मेरे को। अच्छा लग रहा था यहाँ पे, एकदम फैमिली जैसा माहौल था, सब कुछ सही था, सब कुछ मस्त था। स्पसीबा महतर। तो अब यहाँ से टैक्सी आ जाएगी और टैक्सी से मैं कल पहुंच जाऊंगा याकूत्स्क, और परसों की शायद मैं ट्रेन बुक करने वाला हूँ याकूत्स्क से उलानुदे और उसके बाद मंगोलिया। अभी तक तो ये प्लान है, अगर प्लान में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। मोशना काको इमिया गोरद нет, нет, это сталинский город, да? Якутск, Магадан. Дорога. Дорога, кивала дорога, да? आज मैं ऐसे रोड से जाने वाला हूँ जिसे रोड ऑफ बोन्स भी बोलते हैं। रोड ऑफ बोन्स का मतलब स्टालिन के टाइम पे, सोवियत के टाइम पे इस रोड को बनाया गया था याकूत्स्क से लेके मगदान तक। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रोड बनाया। काफी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि रोड के नीचे ना परमाफ्रॉस्ट, जमीन के नीचे परमाफ्रॉस्ट बोले तो कि 70% नीचे मिट्टी है और 20% पानी है, और वो पानी है बर्फ की फॉर्म में, और कई कई जगह पर हवा भी है। तो जब रोड बना रहे थे तो काफी जगह एकदम खाली, खोखलापन आ रहा था।
किया था। इस रोड के कंस्ट्रक्शन में स्टालिन के टाइम पे ये आदेश दिए गए थे कि रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे जो प्रिजनर्स होंगे ना, वो खास करके एक्सट्रीम प्रिजनर्स जिन्होंने एक्सट्रीम क्राइम कर रखे होंगे, तो उन लोगों ने इस रोड को बनाया था। और ऐसा माना जाता है कि इस रोड को बनाने में कम से कम 2.5 लाख से लेकर 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता। अब कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा था अमेरिका की तरफ से, और कई लोग कहते हैं कि ये हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल लोग नहीं मरे। अगर 2 लाख मिनिमम है तो अपन 2 लाख मिनिमम पकड़ के चलते हैं। 2 लाख लोग भी अगर एक रोड को बनाने में मरे हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप सोच के देखिए, अब तो यार बहुत सारी चीजें हो गई हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। और रशिया के एक्सट्रीम ईस्ट में एक पोर्ट सिटी है मगदान, वहां तक रोड पहुंचाना ही था मगदान में, तो याकूत से मगदान ये 2000 किलोमीटर का रोड है। इस रोड को बनाने में भाई हालत खराब हो गई थी। और ये भाई हल्दीराम भुजिया कुछ ना, टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, शायद टैक्सी 10 से 15 मिनट में आ जाएगी। आज मैं गलती नहीं कर रहा, आज मैं एकदम मस्त तरीके से तैयार हो रखा हूँ। टैक्सी का भाई यहाँ पे यही पंगा है, वो टाइम दे देंगे और वो उनकी श्योरिटी कभी नहीं होती है। उनको अगर सवारी मिल जाएंगे तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। और आज भी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मुझसे पैसे कितने लेंगे। चांसेस मेरे को लग ही रहा है कि आज भी शायद 12,000 लग जाएंगे, क्योंकि जो मेरी होस्ट है उनका भाई अगर जाता ना तो वो ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन उनका भाई जा नहीं रहा है। अब देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतने ज्यादा नहीं लेने चाहिए यार, लोकल यहाँ पे 8,000 पे करते हैं यहाँ से, या कुछ के टूरिस्ट से अभी ज्यादा चार्ज करने लगे। मेरे साथ पहले इतने टूरिस्ट आते नहीं थे, तो नॉर्मल था, लेकिन इनको लगा भाई दबा के टूरिस्ट आ रहे तो लूटो टूरिस्ट अभी। बाय बाय, थैंक यू, भाई जो फ्यूदर सर थे वो भी हम यहाँ पे उतर गए हैं, और अब मैं ओमिया को उनको अलविदा कह के यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। टैक्सी मुझे लगा था आगे की जगह मिल जाएगी, लेकिन आगे की नहीं मिली। अभी हम क्यूबे में पहुँच गए हैं, और ये वाले भाई हैं बहुत तेज चल रहे हैं क्यूबे में। हम यहाँ पे जो कैफे है ना वहाँ पे खाना खा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे गाड़ी की हालत देखिए आप, एकदम दबी पड़ी है बर्फ। और ये कुदा कैफे कुबा, ये अलग अलग रोड जो बंदे आते हैं यहाँ पे, कालता मगदान। जो खाना पीना था वो मेरा हो चुका है, और अब यहाँ से मैं जा रहे हैं। स्पसिबा, थैंक यू, स्नोरा गलत से। अभी हम पहुंच चुके हैं खानदकिया में, इस जगह पे वापस आ रहा हूँ मैं। ओमिया कौन जा रहा था उस दिन भी इसी जगह पे रुके थे। ठंड के टाइम पे यार मुझे नहीं पता था कि गाड़ी में इतना ज्यादा पेट्रोल लगता है। इस भाई ने अब तक शायद हम 350 से 400 किलोमीटर चले होंगे, 350 से 400 किलोमीटर में मैंने 4 जगह पर पेट्रोल डलवा लिया है। और ये देखिए स्पेशल विंटर के टायर लगा रखे हैं गाड़ी के अंदर। बाहर का टेम्परेचर पता नहीं, ओमिया कौन जाने के बाद तो सब लग रहा है कि बेटा सब छोटे मोटे ही है। ओमिया कौन में ठंड बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे मेरे को इतनी ठंड नहीं लग रही है अभी। ऑफिशियल रोड ऑफ बोन्स है ना, उसके ऊपर चल रहा हूँ अभी। रात के 1:30 बजे हैं और गाड़ी पंचर हो गई है। ठंड में ये बहुत कॉमन बात है, मेरे को तो अभी तक ये लग रहा था कि ये वाली गाड़ी इतनी पंचर क्यों नहीं हो रही है। तो तब पता चला कि इसके अंदर अभी सिर्फ अकेले 2 ही पैसेंजर हैं, एक मैं अकेले और एक भाई हो रहा है। जब मैं याकूत से होने को गया था ना तब गाड़ी पूरी भरी हुई थी, पूरा रास्ते में गाड़ी सिर्फ अभी पंचर हुई है पहली बार, इससे पहले गाड़ी पंचर नहीं हुई थी। गाड़ी का जो टायर है वो चेंज कर रहे हैं। वैसे अभी भी हम रोड्स ऑफ बोन्स हैं उसी पर चल रहे हैं। ये रोड जाता है मगदान से याकूत, 2000 किलोमीटर की रोड है ये। मैं इसके ऊपर चलूँगा ऑलमोस्ट 600 to 700 किलोमीटर। जहाँ पे मैंने खाना खाया था ना उससे आगे फिर वो मगदान चला जाता है। अगर आप मोनिया को होके जाओगे ना तो ये शॉर्टकट पड़ता है। तो ये टैक्सी वाला भाई भाई सही था, इसने ज्यादा पैसे नहीं लिए, लेकिन थोड़े कम लिए, मतलब रीजनेबल था ये। गुड मॉर्निंग गाइस, और भाइयों वापस से पता नहीं यार खांसी हो गई साथ ओमिया कौन। मैंने एक रात को मैंने ढंग से ये मुंह के ऊपर लगाया नहीं था, और मुझे मेरे लंग्स के अंदर ऐसा फील हो रहा है कि बलगम टाइप जम गया है। कोई नहीं, हो जाएगा ठीक है धीरे धीरे। हाँ तो वापस से आगे पहुंच गया मैं। ये जो टैक्सी वाले भाई थे ना ये काफी सही थे, ज्यादा तो इन्होंने भी चार्ज किया लेकिन उतना ज्यादा नहीं। इन्होंने मुझसे लिए 9,500 रूबल, और पिछले वाले टैक्सी ड्राइवर ने लिए थे 12,000 रूबल। वैसे अगर आप लोकल हो तो आपके लगेंगे 8,000 रूबल। अब तक ये कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मेरे हिसाब से
टूरिस्ट ज्यादा आने लगे ना यहाँ पे, तो टैक्सी ड्राइवरों को भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी लगी। रात वाला जो टैक्सी ड्राइवर था ना भाई, अच्छा भी था, काफी जगह बातें बातें करते हुए आए। पहले तो बोला 10,000 लूंगा, फिर मैंने उसको पर्स दिया, भाई मेरे पास पैसे कम है, बोलता चल ठीक है, 9,500 ही दे दूंगा, ठीक है 500 रूबल का तो डिस्काउंट दिया इस भाई ने। ये देखिए ऐसी ठंड पड़ती है यहाँ पर, सब कुछ व्हाइट हो रखा है सब। ये भाई तालाब होता है कभी, इतनी ठंड पड़ी हुई है, ये तालाब भी एकदम वो बन गया। यहाँ पे ओमियाकोन से तो काफी कम ठंड है, अभी टेम्परेचर होगा -40 के आसपास, ओमियाकोन में -60 तक चला गया था एक दिन। अभी सुपर मार्केट में जा रहा हूँ कुछ खाने, तो भाइयों हॉस्टल में आराम करने के बाद अपने और इंडियन भाई यहाँ पे आ रखे हैं, और अभी मैं उनसे मिलने आ रखा हूँ, और अभी मैं आप लोगों को उनसे ही मिलवाने वाला हूँ। वो भाई आए हैं अपने मंगोलिया से और मैं यहाँ से जाऊँगा मंगोलिया। ये मिले कैलाश भाई, भाई सॉरी यार तन्मय भाई और उमा भाई। कैलाश भाई को शायद आप लोग जानते होंगे, उमा भाई अपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से, उमा तेलुगु ट्रेवलर, और भाई का सबको पता ही है, सब नहीं जानते, सब जानते हैं भाई। भाई के चैनल का नाम है इंडो ट्रैकर, एक दो बंदे तुम इंडो ट्रैकर को कॉपी कर रहे हो, उन्होंने बोला था वो रशिया जाएंगे। कौन वो लोग करते रहते यार, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही, ट्रेवलिंग है देखो, दुनिया बहुत छोटी है, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, दोस्त होना ही है, तो कहीं ना कहीं। हैप्पी टू सी यू ब्रदर, रियली एक्चुअली वी आर योर फॉलोअर्स फ्रॉम फर्स्ट, थैंक यू भाई, एंड वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम यू आल्सो, थैंक यू यार भाई। देखो करते हुए मिले भाई से यार, एक चीज मैं इंटरेस्टिंग बताऊंगा, उमा का मेरे को पता था लंबा है, कैलाश इतना लंबा है, वीडियो में छोटा सा लगता है, देखो मैं हूँ 5'10" 5'11" के आसपास, भाई 6'2" है, मेरा चेहरा छोटा सा है ना इसलिए मैं वीडियो में बच्चे लगते हैं यार, इसलिए मैं बच्चा लगता हूँ। तो भाई देखो नॉमेडिक इंडियन भाई दीपांशु भाई से बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी भाई, लेजेंडरी पर्सन है ट्रेवल कम्युनिटी के, काफी कुछ सीखने को मिला, वैसे आपने ना लोगों को काफी कुछ सिखाया ट्रेवल कम्युनिटी में, तो देखो बढ़ाई करने वाली बात नहीं है लेकिन हकीकत में काफी कुछ सिखाया आपने, थैंक यू भाई, थैंक यू। उमा भाई आप किधर जा रहे हो? मेरे को प्लान वालों ने भैया पहले इंडिया जाना बेबी को देखना। अरे हाँ यार आप तो एकदम पूरे फैमिली वाले बंदे बन गए, फैमिली हो गया। पहले आप किस में जॉब करते थे? मैं वाटर प्लांट में काम किया, वाटर गवर्नमेंट जॉब काम किया, सिक्योरिटी काम किया, साइकिल स्टैंड में काम किया, बहुत काम किया। असली स्ट्रगल स्टोरी तो फिर आपके पास है। हां यस मैं 14 इयर्स से काम कर रहा हूं, मेरा 14 एज पे, नहीं मैं भी कर रहा हूं 20 इयर्स 20 साल से काम कर रहा हूं, मैं भी 16 साल से काम कर रहा हूं, 600 रुपीस पर डे, 20 रुपीस। हां भाई अगर मैं मेरी बायोग्राफी लिखूंगा मेरे पास ऐसी स्ट्रगल नहीं है, मेरे तो घर वाले भी आसानी से मान गए थे। तो भाई दुनिया की जो सबसे ठंडी जगह और सबसे ठंडी सिटी है ना, उसको आज मैं अलविदा कह रहा हूँ, और इस जगह ने जाते जाते मुझे अपना जो सरप्राइज था वो दे ही दिया। आज सुबह सुबह मुझे हल्का सा फीवर आया, जब से मैं ओमियाकोन से आया हूँ ना तब से खांसी जा रहा हूँ। गलती मैंने पता है क्या कर दी, ओमियाकोन से आते टाइम कपड़े वपड़े सब सही पहने थे, दो बार मैं ना वो जो कैफे थे रास्ते में कैफे आ रहे थे उनमें जाते टाइम जल्दीबाजी में मैंने टोपी नहीं पहनी थी, ये मान लीजिए 10 सेकंड में बिना टोपी कराऊंगा, बाद में हाथ वाथ मैंने टोपी पहन दी थी, और उस टोपी ना पहनने के कारण मुझे ठंड लग गई। इतनी ज्यादा तो नहीं बेरेबल है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन भाई आप देख रहे हो 10 सेकंड में, अब आप सोच के देखिए -30 से -40 टेम्परेचर है, और ओमियाकोन की तरफ तो -60 तक पहुंच गया था, तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब हो गई थी यार। बेसिकली कल रात से मैंने पहले से नम ली क्योंकि हल्का हल्का फीवर आ रहा था और खांसी जा रहा, मैं ये सोच रहा था हॉस्टल में जिन बंदों के साथ रूम में रुका हुआ था ना उनकी भी हालत खस्ता हो गई होगी, और कल रात को मैं अपने कैलाश भाई और उमा भाई से मिला, उस टाइम मुझे बाहर जाना नहीं चाहिए था, उसके कारण मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई थी, मुझे उन भाइयों को अपने हॉस्टल में बुला लेना चाहिए था, फिर मेरे को लगा यार कि सारे बाहर मिलेंगे तो ढंग से मिल जाएंगे, इस कारण से तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन अब ठीक है, कल रात से तो काफ़ी ठीक है। अभी आप सोच रहे हो कि मैंने ये मोटे वाले कपड़े क्यों नहीं पहने, मोटे वाले कपड़े इसलिए नहीं पहने क्योंकि ट्रेन के अंदर टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, गर्म रहती है ट्रेन, तो इस कारण से मोटे वाले कपड़े मैंने बैग में डाल दिए और ये नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं। जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ उलान उदय, वो एज कम्पेयर टू यहाँ से गर्म रहता है। अभी हम एंटर करने वाले हैं जो यहाँ पे फ्रोजन रिवर है ना उसके ऊपर, ये देखिए गर्मियों के टाइम पे ये वाला रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ है ना ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ठंड है ये लोग यहाँ पे एज अ रास्ता यूज़ कर रहे हैं, दिस इज लेना रिवर।
मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुका हूं भाई और अब जाने वाला हूं मैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर एकदम मस्त माहौल रहेगा, कोई सर्दी लगने का चांस ही नहीं है। ट्रेन अंदर बाहर खड़ी है। ट्रेन के लिए मैंने छोटे मोटे चीज़ें भी खरीदनी थी वो भी खरीद लिए, खाने पीने का आइटम सब ले लिया। ट्रेन के अंदर चढ़ते टाइम वीडियो नहीं बनाई मैंने, हिम्मत नहीं हो रही थी भाई, बहुत ठंड हुआ। अब मैं ना आपसे कल सुबह ढंग से बात करूंगा, तब तक मेरी तबीयत जो है वो और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। अभी थोड़ी हल्की सी वो है, लग रहा है थोड़ा कि ज़्यादा बोलने से गले को ऊपर इफेक्ट होगा, खांसी ज़्यादा आएगी, तो मैं नहीं चाहता बेचारे जो मेरे साथ सो रही उनकी नींद खराब हो। मस्त कंबल मिला है, नीचे गद्दा भी मिला है, दोनों मैंने एकदम ढंग से बिछा दिया। स्टार्टिंग मुझे लगा कि यार कंबल नहीं दिया गया, कि चादर है कहीं ठंड ना लगे। फिर ऊपर देखा ना, ये देखिए अभी एक लाइट भी अच्छी नहीं है ना, कल सुबह मैं आपको ढंग से दिखाऊंगा। तो अभी हूँ मैं निजनी बेस्त्याग। याकूत्स के अंदर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। याकूत्स से 20 किलोमीटर की सिटी बढ़ती है, लेना रिवर को क्रॉस करके आना पड़ता है भाई। एग्जैक्ट एकदम सही टाइम पे ट्रेन निकली है, 5 बजे का टाइम था, 5 बजे निकल गई है यहाँ से। बाकी आप देख सकते हो कि 5 बजे यहाँ पे अंधेरा हो चुका है अच्छे वाला। ट्रेन के अंदर का हीटिंग सिस्टम बहुत मस्त, ठंड का नामो निशान नहीं है यहाँ पर। और अब जैसे जैसे मैं नीचे जाता रहूँगा ना, जो ठंड का एक्सट्रीमिज्म है वो कम होती रहेगी। नीचे जो शहर होंगे वो गर्म मिलेंगे, गर्म अपने स्टैंडर्ड से नहीं, रशियंस के स्टैंडर्ड से। उलान उदय में टेम्परेचर -20 के आसपास होगा, जो यहाँ के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत गर्म। अभी आगे लाइट जल गई तो मैंने सोचा चलो आपको बता ही देता हूँ। तो ये देखिए, ये तो है एक कफ सिरप और ये है भाई पैरासीटामोल। 32 रूबल की थी पैरासीटामोल की टैबलेट, ज़्यादा महंगी नहीं है, 20 टैबलेट है ये। और ये कफ सिरप इसका प्राइस ध्यान में नहीं है यार मेरे को। जो खाना पीना था मेरा सब कुछ हो गया है। रशियन रेलवे से सबसे मस्त बात पता है क्या है, ट्रेन के अंदर आपको गर्म पानी मिलता है, उबलता हुआ पानी। फिर चाहे आप उसमें अपने जो रेडी टू ईट नूडल्स होते हैं वो बना सकते हो, पैकेट वाले कैपेचिनो और चाय नहीं आती है, पैकेट में डाला और गर्म पानी डाला मिला लिया। तो ये सब मैंने अभी किया था, तबीयत अभी मेरे को काफ़ी सही लग रही है, लेकिन अभी आराम करना मेरे को ज़रूरी है। फिर कल सुबह उठूँगा ना तब तक एकदम मस्त हो चुका होगा। अभी जो मेरे साथ में कोई पैसेंजर भी नहीं है तो अकेला हूँ मैं अभी तक। तो इस वाले बंदे के लिए ये जगह होती है सामान रखने के लिए, और ऊपर वाले के लिए वो ऊपर वाले। ये वाली जो ट्रेन है ये थोड़ी पुरानी है, फिर बाकी रूट्स पे जाओगे ना तो आपको काफ़ी नई नई ट्रेन मिलेंगी। वैसे ये ट्रेन भी कोई ख़राब नहीं है भाई, बहुत मस्त है। ये इधर ट्रेन का हीटिंग सिस्टम, ये तकिया वकिया, ये एक लैम्प दे रखा है, तो काफ़ी सही है यार। अब मैं जा रहा हूँ सोने, कल सुबह जब तबीयत सही होगी ना एकदम, तब और बात करूँगा।